दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर 31 मार्च 2020 के पहले आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स किए, कई लोगों ने मैसेज किए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए और कई लोगों ने तो कॉल करके भी पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारा पैन आधार से लिंक है अथवा नहीं। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपना पैन आधार लिंकिंग स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, आपका पैन आधार से लिंक है अथवा नहीं, आप 2 मिनट में जान जाएंगे। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहली जो लिंक आ रही है इस पर हमें क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यू टू होम पेज। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और हमारे सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर लिंक आधार। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पर आप ऊपर देखिए क्लिक टू व्यू द स्टेटस ऑफ द हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ऊपर पैन नंबर को आपको एंटर कर देना है और इसके बाद नीचे उसके आधार कार्ड का नंबर जो कि 12 अंकों का होगा उसको डाल दीजिए। और इसके बाद लिंक व्यू आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। देखिए कुछ ही सेकंड में एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर और आखिर में आधार नंबर के 3 अंक लिखे हुए हैं। दोस्तों यह थी एकदम सिंपल ट्रिक जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है अथवा नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग अपने पैन आधार लिंकिंग के स्टेटस को जान सकें। अगर उनका आधार पैन से लिंक नहीं है तो उनको हो सकता है 31 मार्च के बाद 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़े। हो सकता है आपके इस छोटे से प्रयास से उनको यह पता चल जाए कि उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है अथवा नहीं, और अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो वह 31 मार्च 2020 के पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।